हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। क्या आप एक सीनियर अकाउंटेंट है और जीएसटी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जीएसटी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। संग ही संग हम कंसेप्ट भी समझने वाले हैं कि क्या क्या कंसेप्ट हम लोग को जीएसटी में रिक्वायर्ड है, जैसे आउटपुट टैक्स हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, कैसे हम सेट ऑफ करेंगे, बुक्स में हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जब भी आप कमेंट करते हैं आई फील रियली गुड, तो जरूर कमेंट कीजिए और बताइए, मेरा प्रोत्साहन और बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं शेयर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि क्या पूछा जा सकता है आपको इंटरव्यू में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एकदम रियल क्लाइंट डेटा लिया है। ये हमारा टैली का डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सीजीएसटी दिया हुआ है, आईजीएसटी दिया हुआ है, और आपका आईजीएसटी आरसीएम और आरसीएम पेबल है, और लास्ट में एसजीएसटी है। आप देख ही रहे होंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस भी यहाँ पर आ रहा है। मैं कहाँ गई हूँ, मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गई हूँ। तो सपोज कीजिए आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं और आपको ना ये जो डेटा है वो दिया जाता है और बोला जाता है कि जल्दी से सेट ऑफ एंट्री करके बताओ। तो आप वही कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कैसे मैं सेट ऑफ एंट्री करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये डेटा क्या है। तो सबसे पहले जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये सारी चीजें आ रही हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है, और हमको जो भी करना है वो ड्यूरिंग द मंथ वाला डेटा में करना है। मतलब जो अप्रैल का महीना है उसको मेरे को सेट ऑफ करना है। तो अप्रैल के महीना में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट साइड में भी कुछ ट्रांजैक्शन आ रहा है और क्रेडिट साइड में भी कुछ ट्रांजैक्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी आईजीएसटी को इनपुट में ट्रांसफर नहीं करके रखे, ना ही आउटपुट में ट्रांसफर करके रखे। तो ये जो डेबिट वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं इनपुट है। मेरा क्या है, ये इनपुट, ये डिनोट कर रहा है हमारा इनपुट। अज्यूम कर रहे हैं कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नहीं है, तो ये सारी चीजें मेरी क्या हो गई, इनपुट हो गई, और ये मेरे लिए क्या हो गई, आउटपुट हो गया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा जो इनपुट है वो हम ट्रांसफर करें। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो सीजीएसटी एसजीएसटी है उसको हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, इनपुट में ट्रांसफर करना है, और जो मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी का आउटपुट है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, आउटपुट पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ एंट्री करने से पहले हम लोग एक चीज देख सकते हैं, हम लोग पोर्टल में क्या दिखाए हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि अप्रैल महीना में, सपोज अप्रैल का रिटर्न हम कब फाइल करते हैं, 20 मई को। तो आप बोलोगे मैम सेट ऑफ एंट्री तो हम 30 अप्रैल को ही कर लेते हैं, लेकिन 30 अप्रैल को हम क्या कर सकते हैं, बैक डेटेड एंट्री भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे सेट ऑफ की एंट्री, थोड़ा देखते हैं। तो इसमें आप देखिए मेरा आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई टैक्सेबल वैल्यू इतना है, आईजीएसटी इतना दिखा हुआ है, सीजीएसटी इतना और एसजीएसटी इतना, जो मेरे इस वैल्यू से मैच कर रहे हैं क्या। देखिए 141,344, 82,855 और 141,344, तो ये जो है मेरा वैल्यू मैच कर रहा है, ये मेरा आउटपुट का वैल्यू है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज जो 776 का वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो मेरा आईजीएसटी 776 है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 776। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेरा आईटीसी में कितना आ रहा है। तो आईटीसी में, ऑल अदर आईटीसी में अगर आप देखोगे, जो मेरा 3B है उसमें मैंने कितना दिखाया, 54,914 और 775। ये जो 775 है ये किस चीज का आईटीसी है, ये मेरे इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज का आईटीसी है, और ये जो ऑल अदर आईटीसी है वो अदर देन दिस है, जो 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2B में मेरा आ रहा होगा तभी मैंने क्रेडिट लिया है। तो 54,914 है, लेकिन हमारा अगर आप देखे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 54,945। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्रेडिट है वो आ रहा है 54,914,945, और हमारे हमने लिया कितना है, 54,914। तो क्या रीजन है कि डिफरेंस आ रहा है, रीजन ये है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट ने 2B में रिफ्लेक्ट नहीं किया, जिस कारण मैंने यहाँ पर जो पोर्टल है उसमें आईटीसी नहीं लिया है, इस रीजन से मैंने आईटीसी नहीं लिया है।
अगर आप दूसरा आईटीसी देखें तो 141,332 है, 141,332 है, तो लगभग कुछ पैसे का डिफरेंस आ रहा है जो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे मैम आपने तो सब बता दिया, लेकिन एक चीज समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, करना क्या है? करना हमको है सेट ऑफ एंट्री। तो हम कैसे सेट ऑफ एंट्री करेंगे? व्हाट इज सेट ऑफ एंट्री? सेट ऑफ एंट्री का मतलब है कि आप अपने आउटपुट को आईटीसी से कैसे सेट ऑफ करोगे, कैसे उसको डिडक्ट करोगे, वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री करना। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर एंट्री? ये जो सीजीएसटी है मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इनपुट में, जो मेरा इनपुट का पार्ट है, और जो मेरा आउटपुट का पार्ट है वो मैं आउटपुट में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो मैं एक बार ये स्नैपशॉट ले लेती हूँ एक्सेल में, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ट्रांसफर करना है, कैसे लेते हैं वो भी सीख लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे हम, इंसर्ट में जाने के बाद स्क्रीनशॉट में जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे, और ये वाला जो है मैं स्क्रीनशॉट अपने लिए, अपने रेफरेंस के लिए ले लेती हूँ। तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे वाउचर में और हम एक एंट्री करेंगे 30 अप्रैल के डेट में। हम ट्रांसफर एंट्री सपोज कर रहे हैं, तो हम ट्रांसफर एंट्री कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे इनपुट को डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, कितने रुपए से इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा? अगर आप देखेंगे तो हमारा इनपुट है 141,332.35, 141,332.35। ठीक है, फिर हम डेबिट करेंगे इनपुट SGST 141,332.35, फिर हम डेबिट करेंगे इनपुट IGST। ये अगर आप देखेंगे तो IGST है 54,945। ठीक है, और हमको क्रेडिट क्या करना है? सिंस हम ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं तो हम CGST, SGST और IGST को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले। तो सिंपली कर ही देते हैं। CGST अभी देखिए हम लोग कितना लिखेंगे, 141,332.35, फिर हम लिखेंगे SGST 141,332.35 अगेन, और लास्ट में IGST। तो अब हमारा जो है ये ट्रांसफर एंट्री हो गया है, जो मेरा इनपुट था वो बन गया है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ट्रांसफर हो चुका है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बीइंग ट्रांसफर एंट्री में। अगर आप इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर इनपुट। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है मेरा आउटपुट पे ट्रांसफर करना। आउटपुट क्रेडिट होता है तो हम क्या करेंगे, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जिसको हमको आउटपुट पे ट्रांसफर करना है उसको डेबिट करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी कितना है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 82,855। तो 82,855। फिर हम डेबिट क्या करेंगे, सीजीएसटी हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से? अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आ रहा है 141,344.99, 141,344.99। ठीक है, फिर हम डेबिट करेंगे एसजीएसटी कितने अमाउंट से? सेम अमाउंट होगा 141,344.99। फिर सिंपली हम क्रेडिट करेंगे आउटपुट आईजीएसटी, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग, तो आउटपुट आईजीएसटी को हम क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से, 82,855 क्रेडिट आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी ऑलरेडी हो चुका है तो आउटपुट हम लोग करेंगे सीजीएसटी को ट्रांसफर कितना है, 141,344.99। ठीक है, और क्रेडिट करेंगे आउटपुट SGST। ये हो गया आपका 141,344.99। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बीइंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ट्रांसफर्ड टू आउटपुट, तो आउटपुट पे ट्रांसफर हो गया। अब अगर आपको देखना है कि बैलेंस शीट कैसे दिखेगी तो आप जाके देख सकते हो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप चले जाओ, करंट लाइबिलिटीज में चले जाओ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ऑल्ट F2 कर लो, पीरियड चेंज कर लो,
30 अप्रैल तक डेट ले लो 2022, और F12 करके आप शो ओपनिंग बैलेंस शो ट्रांजैक्शन को यस कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इनपुट जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्लस हमारा आउटपुट देखिए यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। तो आप एक प्रॉपर बाइफर्केशन जो है आपने कर लिया है। तो अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं आइए देखते हैं। तो हम एक्सेल में एक शीट बनाएंगे कि कितना मेरा आउटपुट है, कितना मेरा क्या है इनपुट है। तो हम कहाँ जाते हैं एक बार, अब एक्सेल में हम देखते हैं कैसे हम शीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सेट ऑफ कैसे हो रही है। सेट ऑफ जो है, अगर आप मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैंने पोर्टल से लिया हुआ है कि सेट ऑफ कैसे हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ये हमारा लाइबिलिटी है और ये मेरा जो है ITC है। तो आप देखिए यहाँ पर 55,690 यूज हो रहा है। तो कैसे सेट ऑफ हो रहा है वो देखते हैं। 55,690 यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर 141,332, 141,332। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई इनपुट, ये मेरा क्या है इनपुट है, और ये मेरा क्या है आउटपुट है। तो कैसे हम सेट ऑफ करेंगे इनपुट को आउटपुट से देख लेते हैं। इनपुट दो तरह का होगा, एक तो इनपुट नॉर्मल जो मेरा फॉरवर्ड चार्ज वाला इनपुट होता है, एक RCM वाला। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर RCM आ रहा है, कितना का RCM आ रहा है, अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो 776 का हमारा RCM है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। इसको यूज जो है हम करेंगे अपना लायबिलिटी पे करने के लिए। तो सेट ऑफ एंट्री कैसे होने वाली है हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वाउचर में जाते हैं, तारीख हम ले लेते हैं सेट ऑफ एंट्री की 30 अप्रैल। तो सेट ऑफ कैसे होगी, पहले तो आउटपुट को हमको डेबिट करना है। आउटपुट IGST को कितना सा करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। हमारा सपोज 82,855 है, देख लेते हैं अमाउंट एक बार। मैं आपको वापस से स्क्रीनशॉट लेके बता दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बैलेंस शीट में जा रही हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जा रही हूँ, F12 करके आप जो है इसको ओपनिंग बैलेंस और ट्रांजैक्शन को यस कर सकते हैं, और डेट आप चेंज कर दीजिए यहाँ पर 30 अप्रैल 2022 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा आउटपुट है, और इनपुट अगर आप देखना चाहते हैं तो इनपुट ये है, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको आपके लिए क्लियर रहे। तो कैसे लेंगे हम स्क्रीनशॉट, हम एक्सेल में जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, स्क्रीनशॉट में जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आ चुका है, मेरे को पता है मेरा आउटपुट कितना इसके हिसाब से है और इनपुट कितना है। तो उस हिसाब से मैं क्या कर लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी। तो कैसे करेंगे हम वाउचर में जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे आउटपुट को डेबिट करेंगे। अब आप बोलोगे मैम डेबिट क्यों कर रहे हो आप, डेबिट मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम पेइंग ऑफ द लाइबिलिटी, मैं पैसा दे रही हूँ, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज ऑफ कर रही हूँ इसलिए। तो 82,855, ठीक है, और हमारा ये हट जाएगा। डेबिट क्या होगा, आउटपुट CGST कितने से होगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे 141,344, 141,344.99। फिर डेबिट करेंगे हम आउटपुट SGST 141,344.99, ठीक है। अब क्रेडिट क्या करेंगे हम, क्रेडिट हम करेंगे इनपुट CGST। अब इनपुट CGST कितना होगा, अब आप देखोगे एक चीज थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं शीट में आपको लेके जाऊं कि यहाँ पर जो सेट ऑफ पोर्टल में हो रहा है वो कितना हो रहा है, इनपुट CGST का हो रहा है आपका 141,332। तो 141,332 से सेट ऑफ कर लेते हैं। क्रेडिट करेंगे इनपुट SGST 141,332, ठीक है। फिर क्रेडिट क्या करेंगे, अब IGST कितना हम यूज कर रहे हैं, देखिए IGST का दो पार्ट है,
एक आरसीएम है, एक नॉर्मल आईजीएसटी है। तो आरसीएम अगर आप देखोगे तो आपने कितना लिया था, आपने क्रेडिट लिया है 776 का। कितना क्रेडिट लिया है? 776 का। और अदर देन आरसीएम आपने कितना लिया है? इतना लिया है। तो आपको सिंपली इनपुट आईजीएसटी आरसीएम कितना दिखाएंगे आप, 775 या 776 एक बार दिखा देते हैं। और क्रेडिट करेंगे हम लोग किस चीज को, इनपुट आईजीएसटी। अब आईजीएसटी आप बोलोगे मैम बुक्स में तो कुछ और है और आप कुछ और ले रहे हो, तो मैं कितना लूंगी? इधर यहाँ पर देखोगे तो आप 54,914.40 इतना का ही क्रेडिट आपने लिया है। तो हम टोटल के हिसाब से इसमें क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, जितना हम ले पाए हैं 0.40। तो टोटल के हिसाब से मैंने कर दिया। अब जीएसटी मेरे को कितना देना है, जीएसटी कितना पेबल आ रहा है, अगर आप देखोगे तो जीएसटी 27,165 रुपया के आसपास जो है वो पेबल आएगा, ठीक है ये। और प्लस 13 प्लस 13 अगर टोटल आप देखोगे तो आईजीएसटी 27,165, फिर 13 प्लस 13, 13 सीजीएसटी और 13 एसजीएसटी, तो टोटल 27,191। थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस है, वो टेंशन मत लीजिए, 1-2 रुपया 19-20 चलता है। तो 27,190 कितना आ रहा है हमारा, 27,191। इसमें क्या आ रहा है, 190.58, ठीक है। तो ये लगभग राउंड ऑफ में हम लोग कर सकते हैं। 27,190 कितना कर रहे हैं हम, 27,191, ठीक है। और डेबिट आप राउंड ऑफ को कर दीजिए तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारा लाइबिलिटी कितना डिस्चार्ज ऑफ हो रहा है, 27,191। तो मैंने कर दिया है कि जीएसटी पेबल। तो ऐसे हम लोग 30 अप्रैल को सेट ऑफ एंट्री करेंगे। आप बोलोगे कि मैम 30 अप्रैल को कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये इतना ही क्रेडिट हम लोगों को मिलने वाला है? तो ऑब्वियसली जब आप पेमेंट कर रहे होंगे 20 मई को, उसके बाद आपको 30 अप्रैल को वो एंट्री करनी तो बेटर रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको करनी है। तो ये वे है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये एक पार्ट मैंने बताया, दूसरा पार्ट पेमेंट का होगा कि पेमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो मैंने नहीं बताया है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाता। तो आपको ये समझना होगा कि बीइंग एन सीनियर अकाउंटेंट, बीइंग अ सीनियर अकाउंटेंट, आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको काम कैसे आप कर पाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं, जब भी आप बताते हैं काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।